मदरसे जाएगी तो दीन की अच्छी तालीम हासिल करेगी। मदरसे लाडली। ये जगह तो अल्लाह के नेक बंदों के लिए है। क्या तुम नमाज अदा करती हो? पांचों वक्त की नमाज अदा करती हूँ। अकेली आने से डरती हो? अरे तो सारे कपड़े नहीं उतारोगी तो जन्नत कैसे देखोगी? मुझे नहीं देखनी कोई जन्नत। लेकिन तुझे नहीं देखनी तो हमें तो जन्नत देखनी है। अल्लाह के लिए छोड़ दो। दुनिया में सुंदर नाम है दो ही, एक कृष्ण एक राम। बरसात, तुम जैसी सैकड़ों कन्याएं आती हैं रोज, खाली आती हैं, भर के जाती हैं। अरे चाटो। पिंडिदास का भी कोई जवाब नहीं। आपकी बेटी जन्नत मदरसे से भाग आई है। नहीं अम्मी, हमें दोबारा वहाँ नहीं जाना है। अरे तू क्या, तेरे फरिश्ते भी जाएंगे। अब तू हर रोज मेरी ऐश गाह का सितारा होगी। मैं इन नापाक लोगों के कफन में दफन नहीं होना चाहती। यही है वो मौलवी जिसने हमारी जिंदगी को नापाक किया है। अल्लाह के कहर से डर ना लाया। क्यों? क्या खुदा कुछ भी कर सकता है? अल्लाह कुछ भी कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करिए इस मौलवी को। है? चल हमारे साथ। अरे हामिद, ईश्वर और ये बाबा चांद साईं दोनों तुम्हें माफ कर देंगे। आप एक हिंदू होकर एक झूठे मक्कार मुस्लिम के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हो, आखिर किस लिए? मैं ना हिंदू के साथ हूँ ना मुस्लिम के साथ, मैं हूँ सिर्फ सच्चाई के साथ। तुम नास्तिक हो नास्तिक। इंस्पेक्टर साहब, पकड़िए इस ढोंगी बाबा को। चल बे ढोंगी बाबा। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सब धमाके कर तू। अदालत ने जन्नत और संजीदा केस में बाबा चांदसाई और मौलवी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और कोई भी ऐसा पंप इस दुनिया में नहीं बना जो मेरा हिंदुस्तानी खून निकालकर अरबी खून मेरे अंदर डाल दे। नामुराद, दीन के फरिश्ते को तू जेल पहुंचा के खुशी जाहिर कर रही है? तू मेरे लिए मर चुकी है।